नमस्कार दोस्तों, एससीओ समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन पर कड़ी टिप्पणी की है। यह समिट इस्लामाबाद में आयोजित की गई थी, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद के मुद्दों पर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई, तो वहीं चीन के साथ व्यापारिक मार्गों पर भारत की चिंताओं का स्पष्ट किया। पाकिस्तान में आज एससीओ की बैठक हो रही है, भारत की ओर से एस जयशंकर गए हैं। समिट को संबोधित करने के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की जमकर फटकार लगाई और आतंकवाद पर खूब सुनाया। दरअसल इस बार का एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी की समिट इस्लामाबाद पाकिस्तान में हो रही है, यह शिखर सम्मेलन एससीओ की अध्यक्षता करने वाले देश द्वारा आयोजित किया जाता है और इस बार पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है। तो इस कारण इस बार पाकिस्तान में ही यह आयोजित हो रहा है और पाकिस्तान के जो सबसे बड़े शहर हैं उनमें से इस्लामाबाद है, तो ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस समिट को इस बार आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने अपने इस्लामाबाद को चारों तरफ से आज 3 दिन से सील किए हुए हैं, यानी कि इस्लामाबाद का हाल उन्होंने इस तरह से कर रखा है कि कोई परिंदा वहां पर न मार सके। 3 दिन से वहां के सारे ऑफिस, स्कूल, दुकानें, मार्केट सब बंद हैं इसी एससीओ समिट के लिए। एससीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें सदस्य देश सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा करते हैं। दरअसल इसका मकसद क्या है तो आप देखेंगे, एक नहीं इसके मैं आपको 3 मकसद गिनाता हूं। जैसे कि सदस्य देशों का सहयोग बढ़ाना, तो दूसरी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और तीसरी क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना। अगर पहला देखें सदस्य देशों का सहयोग बढ़ाना, तो उसके तहत एससीओ का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसमें आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद के खिलाफ साझा प्रयासों पर जोर दिया जाता है। तो वहीं वैश्विक चुनौतियों का समाधान है, यानी कि दुनिया में चल रही कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि आर्थिक अस्थिरता, आतंकवाद और उभरते हुए भू राजनीतिक संघर्ष एससीओ के एजेंडे में शामिल है। इस समिट में इन मुद्दों पर भी चर्चा और समाधान की कोशिश की जानी है। तो वहीं इसके क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना, यानी कि एससीओ समिट के जरिए सदस्य देश अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को साझा मंच पर रखते हैं। इस बार भी व्यापार, ऊर्जा और पारगमन यानी कि ट्रेड, एनर्जी एंड ट्रांजिट के मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। एससीओ के मंच से सुरक्षा, व्यापार और कूटनीतिक यानी कि सिक्योरिटी, ट्रेड एंड डिप्लोमेसी मुद्दों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है यह, जिसमें सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत किया जाता है। एस जयशंकर ने सबमिट के दौरान पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीमा पर आतंकवाद की निंदा की और इसे दोनों देशों के रिश्तों में गिरावट का प्रमुख कारण बताया। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, यानी उनका बिना नाम लिए ही उन्होंने इशारों में ये बताया, लेकिन उनका इशारा बिल्कुल साफ था। एस जयशंकर ने अपने भाषण में कहा, अगर विश्वास में कमी है, सहयोग नहीं हो रहा है और पड़ोसी जैसा व्यवहार गायब है, तो इसकी वजहों को तलाशा जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देता रहेगा तो दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा प्रवाह और आपसी संबंध कभी भी सामान्य नहीं हो पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कट्टरवाद किसी भी देश को आगे नहीं ले जाता, विकास और प्रगति के लिए शांति आवश्यक है। जयशंकर ने जोर देते हुए कहा, भारत हमेशा से पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी जैसे संबंध चाहता है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को आतंकवाद और हिंसा से मुक्त माहौल बनाना होगा। तो वहीं चीन पर भी इन्होंने कड़ा निशाना साधा है। एस जयशंकर ने अपने संबोधन में चीन को भी इशारों में घेरा। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी सदस्य देशों को एक तरफा एजेंडे को छोड़कर आपसी सहयोग और सम्मान पर ध्यान देना चाहिए। चीन के CPEC यानी कि CPEC, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको लेकर के इस प्रोजेक्ट का नाम लिए बिना जयशंकर ने स्पष्ट किया कि सदस्य देशों को एक तरफा एजेंडे को बढ़ावा देने के बजाय समानता और परस्पर सम्मान पर आधारित सहयोग की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम केवल चुनिंदा व्यापारिक मार्गों और वैश्विक प्रथाओं को अपनाते हैं तो प्रगति संभव नहीं होगी।
जयशंकर के इस बयान को चीन के आर्थिक विस्तारवादी नीतियों की आलोचना के रूप में देखा जा रहा है, जो कि सीपीईसी यानी सीपेक के माध्यम से पाकिस्तान के साथ आर्थिक गठजोड़ को आगे बढ़ा रहा है। सबमिट में जयशंकर के अहम बयान क्या रहे, थोड़ा मैं आपको वो भी डिटेल से बताता हूँ। इस जयशंकर के भाषण में कई प्रमुख बिंदुओं को उठाया गया, जिसमें भारत की विदेश नीति और वैश्विक दृष्टिकोण की झलक मिली। उन्होंने कहा, हम कठिन वक्त में मिल रहे हैं, जब दो बड़े संघर्ष चल रहे हैं। कोरोना महामारी ने विकासशील देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उन्होंने एससीओ के मुख्य उद्देश्यों पर बात करते हुए कहा कि संगठन का उद्देश्य आपसी विश्वास, दोस्ती और अच्छे पड़ोसी के संबंधों को मजबूत करना है, साथ ही आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई को एससीओ की मुख्य चुनौतियों के रूप में चिन्हित किया गया। जयशंकर ने कहा कि दुनिया बहुत ध्रुवीय हो रही है और इस बदलते परिदृश्य में सहयोग आपसी सम्मान पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने एससीओ के सहयोग में आने वाली बाधाओं को पहचानने और उन्हें दूर करने की आवश्यकताओं पर भी जोर दिया। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत दिन से खराब चल रहे हैं, तो आखिर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कब से खराब हुए, थोड़ा ये उस पर नजर डालें। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद से और खराब हो गए। पहले से खराब थे, लेकिन बद से बदतर स्थिति में साल 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद से हुआ है। इस हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर हवाई हमला किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद 5 अगस्त साल 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A आर्टिकल को हटाकर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। इस कदम के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों को कम कर दिया। इन घटनाओं के बाद से दोनों देशों के रिश्ते और खराब हो गए। पाकिस्तान लगातार भारत पर आतंकवाद के समर्थन का आरोप लगाता रहा, जबकि भारत का कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देकर शांति और स्थिरता में बाधा डाल रहा है। अगर इसे कम शब्दों में कहा जाए, यानी कि ये एससीओ का जो अभी सबमिट चल रहा है, यानी कि इस्लामाबाद में जो एससीओ का सबमिट चल रहा है, तो उसके लिए यह कह सकते हैं कि एससीओ सबमिट में एस जयशंकर का कड़ा संदेश न केवल पाकिस्तान के लिए था, बल्कि चीन के लिए भी था। आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद पर कड़ा रुख अपनाकर भारत ने अपने पड़ोसी देशों के सामने स्पष्ट कर दिया है कि वह इन मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगा। जयशंकर का यह बयान दिखाता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए तैयार है और वह किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा। इस बार के एससीओ समिट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की भागीदारी को लेकर चीनी मीडिया में, यानी चाइना के मीडिया में असंतोष नजर आ रहा है। इसका मुख्य कारण भारत द्वारा चीन के कुछ नीतिगत मुद्दों पर आलोचना और आपत्तियां जताना है, विशेष रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपेक, जिसके बारे में भारत हमेशा ही ऑब्जेक्शन उठाता रहता है। थोड़ा और डिटेल से समझते हैं कि चीनी मीडिया क्यों नाखुश है, यानी कि वो खुश क्यों नहीं है। इसके लिए एक दो नहीं बल्कि तीन प्रमुख कारण मैं आपको गिनवाता हूँ। पहला कारण, सीपेक पर भारत की आलोचना। तो वही दूसरा कारण, चीन भारत संबंधों में तनाव। और तीसरी की बात करें तो एससीओ में भारत की प्रमुख भूमिका। आइए थोड़ा थोड़ा इन पर डिटेल से नजर डालते हैं। सीपेक पर भारत की आलोचना, यानी कि भारत लंबे समय से सीपेक का विरोध करता रहा है, क्योंकि यह परियोजना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी जिसे हम पीओके भी कहते हैं, वहां से होकर गुजरती है, जिस पर भारत का दावा है। एस जयशंकर ने एससीओ समिट में एक तरफा एजेंडे के खिलाफ बोलते हुए चीन के इस परियोजना को अप्रत्यक्ष रूप से निशाने पर लिया। यह बयान चीनी मीडिया और सरकार के लिए एक असुविधाजनक है, क्योंकि सीपेक चीन के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक परियोजना है। वहीं इनके दूसरे कारण की अगर बात करें तो चीन भारत संबंधों में तनाव, यानी कि भारत और चीन के बीच हाल के वर्षों में तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, खासकर साल 2020 के गलवान घाटी के संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और व्यापारिक सहमति ने संबंधों में खटास पैदा की है। एससीओ जैसे मंच पर भारत का सख्त रुख चीन को रास नहीं आ रहा है, खासकर जब यह आर्थिक और कूटनीतिक रूप से चीन के एजेंडे के विपरीत जाता है। एससीओ में भारत की प्रमुख भूमिका, यानी कि भारत का एससीओ में सक्रिय और प्रमुख भूमिका निभाना, जहां चीन की भी बड़ी भागीदारी है, चीनी मीडिया के लिए चिंता का विषय है। भारत इस मंच का उपयोग अपने हितों को सुरक्षित रखने और चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए कर रहा है, जिससे चीनी मीडिया में असंतोष देखा जा रहा है।
चीनी मीडिया की प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो चीनी मीडिया की रिपोर्ट में यह झलकता है कि वे भारत के इन बयानों को एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंच पर नकारात्मक रूप में देख रहे हैं। चीनी मीडिया का मानना है कि भारत के इस कड़े रुख से एससीओ की एकता और सहयोग पर असर पड़ सकता है। इस प्रकार भारत का दृढ़ और स्पष्ट रुख खासकर आतंकवाद और आर्थिक परियोजनाओं पर चीनी मीडिया के असंतोष का कारण बना हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं कि अभी इस्लामाबाद के एससीओ समिट जो इस बार हो रहा है साल 2024 का, उसमें और क्या अपडेट्स निकल कर आता है। तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।